हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा समाकलन का उपयोग कर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं 2.3, बी का निर्देशांक दिया है 4.7 और सी का निर्देशांक दिया है 6.2। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, इसके लिए मैं x अक्ष y अक्ष लेके मैं दिखा दूंगा निर्देशांक ज्यामिति के रूप में, है ना जी। तो इसलिए मैं ये ले लेता हूँ अक्षों पर। ये x अक्ष होगा तो x और x डैश इधर हो जाएगा, ये y अक्ष होगा तो y और y डैश यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2.3 x का 2 है लगभग इतना और y का 3 इधर, यहाँ हो जाएगा बिंदु A जिसका निर्देशांक है 2.3, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ A है जिसका निर्देशांक है 2.3, फिर B क्या है 4.7, B का 4 और 7 है तो इधर कहीं होगा, ठीक है इधर कहीं होगा, B क्या है 4.7, समझ गए ना। अंदाजे से मैंने ले लिया x का 4 इधर होगा, y का 7 इधर होगा। अच्छा, C क्या है 6.2, 6.2 तो देखो तो x का 6 ठीक है और y का 2 इधर होगा, समझ गए ना। ये हो जाएगा सी 6.2। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो इनके तीनों ये बिंदु जो ए बी सी देख रहे हैं ये मिलाने पे जो बनेगा, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें किसके द्वारा ज्ञात करना है, समाकलन का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। मैं इसमें क्या करता हूँ, इन तीनों शीर्षों से एक्स अक्ष पर लंब खींच देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं मान त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के, ए बी सी के प्रत्येक प्रत्येक शीर्षों से एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर लंब, लंब कौन कौन सा लंब खींचे हैं, इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे देता हूं मैं ए पी बी क्यू और सी आर। जो लंब खींचे हैं ए पी खींचे हैं, बी क्यू खींचे हैं और सी आर खींचे हैं। लंब जो कौन है, ए पी बी क्यू तथा सी आर खींचा है, ठीक है। चलिए हमने तीन लंब खींचा है, चलिए ये जो मैंने लंब खींचा है इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूँ, ठीक है। इन लंबों को मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अलग से खींचा है, क्वेश्चन में नहीं दिया था। चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं एक काम कर सकता हूँ, या ए बी रेखा का, ए सी रेखा का और बी सी रेखा का समीकरण निकाल सकता हूँ। आप जानते हैं कि दो बिंदुओं X1 Y1 तथा X2 Y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े हुए हो, Y माइनस Y1 बराबर में Y2 माइनस Y1 बटा में X2 माइनस X1 इंटू में x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं ये तीनों का, ए बी का, ए सी का और बी सी का समीकरण निकालूंगा। अब आप सोचोगे सर इसके समीकरण की जरूरत क्या है, अभी आप निकाल लो उसके बाद आपको बताता हूं मैं आगे। चलिए देखते हैं, रेखा ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण इसका क्या हो जाएगा, y देखो ये आप x1 y1 इसको मान के चलो और इसको x2 y2 में चलो, तो y माइनस y1 यानी कि 3 बराबर में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये रहा x1। चलिए y माइनस 3 बराबर में, देखो यहाँ घटेगा तो क्या होगा, 4 और नीचे 2, 4/2 इंटू में एक्स माइनस 2, तो ये कट जाएगा दो बार में कट जाएगा, तो वाई माइनस 3 बराबर में
यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 4, ये माइनस का 4 इधर के प्लस का, माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4 और प्लस का 3, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका समीकरण आ गया। अच्छा अब रेखा BC का निकालते हैं, रेखा BC का समीकरण y माइनस वाई वन है, तो y माइनस 7 ले लेते हैं, y माइनस 7, देखो ये मैं x1 y1 और ये x2 y2, तो y माइनस 7 बराबर में y2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 7 बटा में x2 माइनस x1 है ना 6 माइनस 4 और इंटू में x माइनस x1। ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं, y माइनस 7 बराबर में यहाँ 2 घटेगा माइनस का 5 और नीचे आपका 2 आएगा x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसको उधर लेके चलेंगे, इधर गुना करो, माइनस का 5 बटा 2x प्लस का, इससे ये कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10 हो जाएगा और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7, तो y बराबर हो जाएगा 17 माइनस 5 बटा 2x, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इस ए सी का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं रेखा ए सी का समीकरण, रेखा ए सी का समीकरण इसका भी निकाल देते हैं उसी तरह, क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी के लिए वाई माइनस, मैं एक्स वन वाई वन इसको मान लेता हूँ और एक्स टू वाई टू इसको ले लेता हूँ, वाई माइनस वाई वन बराबर में वाई टू माइनस, अच्छा ए सी का निकाला ना, तो वाई एक्स वन वाई वन इसे मान लेते हैं और एक्स टू वाई टू इसे मान लेते हैं, है ना जी, ये एक्स वन वाई वन है एक्स टू वाई टू है, तो आपका वाई माइनस वाई वन बराबर में वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 2 माइनस 3 बटा में एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस में एक्स वन। ठीक है वाई माइनस थ्री बराबर में हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 बटा में 4 एक्स माइनस टू। चलिए देखते हैं वाई माइनस थ्री बराबर में माइनस 1 बाई 4 एक्स और इसमें गुना होगा तो प्लस का 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2 लिख देंगे सीधे, ये 3 आके इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 में 1 बटा 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटा 2 और माइनस का 1 बटा 4 है, समझे ना, ये आके इधर प्लस का हो गया तो 3 में 1 बटा 2 एलसीएम लेके जोड़ दिए तो 7 बटा 2 हो गया और माइनस का 1 बटा 4 है। अब देखिए हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ए बी क्यू पी इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं और प्लस में बी सी आर क्यू इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं और उसमें से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका ए सी आर पी का, तो नहीं निकल जाएगा ये टोटल में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा दिए, समझिए किस तरह से लिखूंगा, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बी सी आर क्यू और माइनस एरिया ऑफ ए सी आर पी, समझिए यहाँ पे ए बी क्यू पी इसका एरिया, बी सी आर क्यू इसका एरिया और उसमें से इन दोनों के योग में से इसका घटा देंगे ए सी आर पी का, तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब वही लगाते हैं, तो हमें इसमें ध्यान देना होगा कुछ बातों में, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए देना क्या होगा ध्यान, हमें देखना होगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये आप देखो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो यहाँ पे 2,0 यहाँ पे 4,0 और यहाँ पर हो जाएगा आर का 6,0। ठीक है चलिए, तो ये जो बना हुआ है ए बी क्यू पी ये किसके द्वारा बना है, ए बी रेखा के द्वारा बन रहा है, ए बी रेखाखंड के द्वारा बन रहा है, तो उसके लिए उसका क्या हो जाएगा जी, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से, ए से बी तक जो गया है ये क्या हो जाएगा 2 से 4 हो जाएगा ना, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 और इस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसके द्वारा ये क्षेत्र बना हुआ है, तो ए बी का समीकरण हमारा ऊपर आया है, ए बी का समीकरण जो आया है ए बी का सबसे ऊपर आया है, वाई बराबर में 2x-1 तो 2x-1 रखेंगे ना वहाँ पे, चलिए तो हो जाएगा 2x-1 dx प्लस दूसरा वाला देखिए बी सी आर क्यू जो है ये 2 से 4 तक बना है, देख रहे हैं ना 4 से 6 तक गया है, 4 to 6 गया है और यह बी सी द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, तो बी सी का समीकरण क्या है, तो बी सी का समीकरण ये रहा वाई बराबर में 17-5/2x 17-5/2x dx
और माइनस कर देना है ए सी आर पी का, ए सी आर पी का इसका। तो यह कहाँ से गया है, टू से सिक्स तक गया है, और ये किसके द्वारा बना हुआ है, तो इसके द्वारा बना हुआ है। तो इसका ए सी का समीकरण क्या है जी, तो ए सी का समीकरण यही आया है, सेवन बाई टू माइनस वन बाई फोर एक्स, सेवन बाई टू माइनस वन बाई फोर एक्स डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट जाएगा एक्स स्क्वायर, और वन का होता है x, टू से फोर। चलिए अगला देखिए, सत्रह का सत्रह एक्स हो जाएगा, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू टू जा फोर ना हो जाएगा। चलिए और ये कहाँ से गया है, टू से लेके फोर से लेके सिक्स तक, फोर टू सिक्स गया, इसका लिमिट माइनस सेवन बाई टू का सेवन बाई टू एक्स, और यहाँ देखो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और फोर टू जा एट आ जाएगा, यानी वन बाई एट एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट है टू से सिक्स। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, चार रखोगे यहाँ पर, तो देखो चार का स्क्वायर सोलह, और माइनस है सोलह में से चार गया बारह, चार रखेंगे दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर चार, और चार में से दो गया दो, समझ गया ना, बीच में माइनस रहता है प्लस। यहाँ देखो छः रखेंगे तो सत्रह छः एक सौ आठ है ना, है ना, यही ना हो जाएगा जी, सॉरी एक सौ दो, एक सौ दो ना, एक सौ दो माइनस माइनस इसमें रखेंगे, अभी छः को रखेंगे तो देखो क्या होगा, छः का स्क्वायर, छः का स्क्वायर छत्तीस, चार से काटेंगे नौ बार में, समझ गए ना, छः का स्क्वायर होगा छत्तीस, चार से काटेंगे नौ बार में, नौ पचे पैंतालीस, ठीक है, ये तो इसके साथ रहा, और फिर माइनस, अब चार रखना होगा ना जी, है ना, चलिए अड़सठ माइनस, यहाँ चार रखेंगे चार का स्क्वायर सोलह, समझ गए ना, और चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा, दो से इसे चार से काटेंगे तो चार बार में कटेगा, पंचों का बीस माइनस। अब चलिए यहाँ पे रखना है छः को और दो को, पहले छः ही रखते हैं, तो छः रखेंगे दो से उसको काटेंगे तीन बार में, सात तीन इक्कीस आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या रखेंगे छः रखेंगे, छः का स्क्वायर छत्तीस, और छत्तीस में आठ से भाग होगा, तो चार से काट दिया जाएगा, चार नवा छत्तीस और चार गुना आठ, समझ गया ना, छः रखेंगे तो छः का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस बट्टा आठ होगा, तो चार दुना आठ और चार नौ छत्तीस, नौ बट्टा दो आ जाएगा माइनस। अब दो रखेंगे तो दो रखिएगा तो क्या होगा, दो रखने से दो कट जाएगा सात आ जाएगा माइनस, दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर चार कट जाएगा एक बट्टा दो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं घटेगा तो दस, यहाँ देखिए क्या होगा, घटेगा तो बारह में से पाँच गया सात, यहाँ बच गया आपका नौ, नौ में से चार गया आपका पाँच माइनस, यहाँ देखो घटाओगे तो आठ अड़तालीस आ जाएगा, ठीक है माइनस, अंदर देखो क्या हो जाएगा इक्कीस माइनस नौ बट्टा दो माइनस का सात प्लस का एक बट्टा दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दस प्लस इसमें से इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका सत्रह में से आठ गया नौ, और यहाँ बचा चार, चार में चार गया जीरो, यहाँ चलिए माइनस, इक्कीस में से सात गया चौदह, और देखो माइनस का नौ बट्टा दो है और प्लस का एक बट्टा दो है, यानी माइनस का आठ बट्टा दो आएगा, कट के माइनस चार हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नौ और चार तेरह, और तेरह और दस, तेरह और दस हो गया तेईस, तेईस में से चौदह घटा दो, तो चौदह घटाएंगे तो नौ हो जाएगा, नौ वर्ग इकाई यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखे ना कितना आसान तरीके से हमने बना लिया, पहले सभी के लिए समीकरण निकाले और फिर उसका एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया। इसका अगला क्वेश्चन भी है ना, अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर जो है सेम इसी तरह है, त्रिभुज के तीन शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, इसी तरह से लिखेंगे हर एक के लिए, मिलने के बाद जो बनेगा ए बी बी सी ए सी तीनों भुजा का समीकरण निकालेंगे और फिर क्षेत्रफल के लिए यही रूल लगाएंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का एक, इसमें देखो क्या किया, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है लेकिन इसमें पहले ही समीकरण दिया गया तीन रेखा का और जिनसे गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हमें अभी इस समीकरण पहले से ही दिया है, तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से तो और आसान हो गया। चलिए देखते हैं इसके लिए,
ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और वाई अक्ष हो जाएगा। पहले इसका आलेख तो बनाना होगा ना, फिर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे। एक्स एक्स डैश वाई और नीचे हो जाएगा वाई डैश। यहाँ देखो तीन समीकरण दिए हैं, पहला दिया है 2x प्लस वाई बराबर में 4। देखो मैं कितने सिंपल तरीके से इसके लिए इसका आलेख लेता हूँ। अगर सोचो अगर तुम यहाँ y की जगह 0 रख दोगे तो x का 2 आ जाएगा, तो 2,0 इधर ले लेते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो y का 4 आ जाएगा, तो 0,4 इधर हो जाएगा, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, यही ना होगी जी, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यही हो जाएगी, समझ गए। और ये आपका रेखा किसका समीकरण आ गया, तो यह समीकरण है किसका, 2x + y = 4। अगला देखते हैं 3x - 2y = 6। अगर सोचो y की जगह 0 रखेंगे तो x का 2 आएगा, यानी कि एक बिंदु यही हो जाएगा। अच्छा अगर मैं y की जगह 0 ना रख के x की जगह रखूँ तो y का -3 आएगा, y का -3 आएगा, तो 0,-3 इधर हो जाएगा, इनसे होकर जाने वाली रेखा आपकी इस तरह से जाएगी, ऐसे ही ना होगी जी। चलिए इसका भी समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह किसका समीकरण है इसका, तो ये है आपका 3x - 2y = 6। अगला देखिए, अगर मैं यहाँ y के जगह 0 रखता हूँ तो x का -5 आएगा, तो x का -5 इसे और थोड़ा लंबा करना होगा, है ना, x का -5 थोड़ा सा और इसे लंबा करना होगा, लिख कर देते हैं इसको लंबा। तो देख रहा ना कितना सिंपल तरीके से, पहले ग्राफ आपको तो पहले से ही आता है, आप उसी हिसाब से चलोगे। एक्स देखना, अच्छा एक्स का -5 और वाई का 0 इधर होगा कहीं, दूसरा बिंदु कहाँ होगा। अगर मैं ये 0 रख दूँ, एक्स 0 रख दूँ, तो वाई का 5/3 आएगा, 5/3 यानी 3 × 6, थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम इधर हो जाएगा, है ना जी, समझ रहे हैं ना बात को। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रख दूँ तो y का 5/3 आएगा, यानी कि कहने का मतलब 1.6, मान लो यहाँ 2 है तो 1.6 इधर होगा, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, ये दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, ठीक है, ये वाली हो जाएगी, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका समीकरण निकाल देता हूँ, x - 3y + 5 = 0। तो इन तीनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र यह है, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना। तो इसका निर्देशांक पता है क्या है जी, 2,0, पहले से हम लोग जानते हैं 2,0, इन दोनों का पता करना होगा। तो सिंपल है यार, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो इनके निर्देशांक निकल जाएंगे। इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसका निर्देशांक निकालता हूँ, ठीक है, तो यह मान लेता हूँ और फिर सी मान लेता हूँ। माना तीनों रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने से त्रिभुज ABC बना है। चलिए तो अब बी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। बी का निर्देशांक ए का पहले से ही पता है, समझ गए ना, पहले से हमें पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। ए का निर्देशांक अगर नहीं पता होता तो जहां पर प्रतिच्छेद करा, जिन रेखाओं द्वारा करा, उसको सॉल्व कर देते तो आ जाता। बी का निर्देशांक देखते हैं, बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक के लिए क्या करोगे, बी का निर्देशांक के लिए इन दोनों रेखाओं को सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ साइड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है 3x - 2y = 6, ठीक है, और अगला है x - 3y = -5। x - 3y = -5, ठीक है, क्या दिक्कत है, एक काम करो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 9 और -15, समझ गए ना,
मैंने इसमें 3 से ही गुना कर दिया, 3x-9y और बराबर में -15। देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, यह कट जाएगा, यहाँ तो घटेगा, तो प्लस का 7y और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ये माइनस हट गया, यहाँ प्लस आ गया, दोनों प्लस का हो गया 21, तो यहाँ जाएगा भाग में तो 3 आ जाएगा, वाई का 3 आ गया, वाई का 3 आ गया। अब वाई का मान अगर मान लो 3 इसमें रखते हैं तो 3 × 6 हो जाएगा, है ना, और उधर जाके 6 × 6 = 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो 3 जाएगा उसमें भाग में तो 4 आ जाएगा, तो इसका निर्देशांक 4,3 हो जाएगा, समझ गया ना, बी का निर्देशांक 4,3। देख लो ये इसको भी संतुष्ट करेगा, 4 रखेंगे, 4 × 3 = 12, 3 रखेंगे, 3 × 6 = 12 में से 6 के 6, 4 रखेंगे, 4 × 3 = 4 और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 6 = 12, तो समझ रहे ना, सॉरी 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9, तो 4 में से 9 - 5 और +5 = 0 आ जाएगा ना, तो ये आपका 4,3 जो है ना इसका हल हो जाएगा, एक तरह से 4,3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, समझ गए ना किस तरह से मैंने बनाया। और नहीं आता है तो दोनों समीकरण को हल नहीं कर सकते यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप दोनों समीकरणों को हल करोगे ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा। इसी की बात कर लेते हैं, इसका कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करना होगा, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बी का निर्देशांक पहले लिख देता हूँ 4,3, अच्छा इसको सॉल्व करना होगा, इसको और इसको, सी का निकालना है ना, तो हाँ तो इसको और इसको सॉल्व करना होगा, यानी इन दोनों को, तो एक काम करो ना इसी में फिर से 2 से गुना कर दो, तो हो जाएगा 2 से गुना करने पर 2x - 6y = -10, और इसको लिख लेंगे 2x + y = 4, साइन बदलो, ये कट जाएगा, -7y = -14, y का मान 2 आ जाएगा, तो y का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 रखोगे चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y का मान 2 रखोगे तो उधर जाके ये घट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 जाके भाग करेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1,2 इस c का निर्देशांक हो जाएगा, 1,2 इस c का निर्देशांक हो जाएगा, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या होगा, हम लोग यहाँ से लंब ले लेते हैं, c बिंदु से इस पर लंब ले लेते हैं और B बिंदु से इस पर लंब ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम कुछ देते हैं CP, और यहाँ पे ये जो लंब है ये Q देते हैं, देखो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या होगा, तो 1,0, इसका निर्देशांक क्या होगा Q का, तो 4,0। चलिए अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ सी का निर्देशांक भी, सी का निर्देशांक आप हल करके निकाल लेना, समझ गए ना, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ थोड़ा सा, सी का निर्देशांक 1,2 है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू बी सी, पी क्यू बी सी ये टोटल का क्षेत्रफल में से ये दोनों त्रिभुजों का घटा देंगे, किसका घटाएंगे, घटा देंगे एरिया ऑफ किसका, ट्रेंगल पी ए सी और माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ट्रेंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं पी क्यू बी सी का क्षेत्रफल, पी क्यू बी सी का क्षेत्रफल, तो ये 1 से लेकर 2 तक गया है, नहीं 1 से लेकर 4 तक गया है, इसका निर्देशांक 4 है ना, ये 4,0 मैं इसको देख रहा था, यहाँ है ना, चलिए तो क्या हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक, और किसके द्वारा बना है, BC के द्वारा, तो इस BC का यानी ये वाली रेखा का समीकरण क्या है, ये रहा नहीं ना है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, लिख देते पहले ydx, अगले बार में देखा जाएगा, चाहे तो आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, y का वैल्यू इससे क्या होगा, देखो इसको उधर ले जाओगे 3 को लाओगे भाग में, 1/3x + 5/3 dx माइनस पी ए बी का, पी ए सी का, सॉरी पी ए सी का इसका क्षेत्रफल, तो इसका माइनस करना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, पी ए सी, तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, ये 1 से लेकर 2 तक गया है, 1 से 2 तक गया है,
और इसमें इसका किसके द्वारा बना है, इसके द्वारा बना है पीएससी, इसके द्वारा बना है, इसका समीकरण ये रहा। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ से 4 - 2x dx, फिर माइनस ये किसके द्वारा बना है, ए क्यू बी, ये 2 से लेकर 4 तक गया है और 2 से लेकर 4 तक गया, और इसके द्वारा बना है, यह किसके समीकरण है, तो देखो ऊपर ये है, ये रहा। तो यहाँ से आप देख लो, इसको उधर ले जाओगे, 6 को इधर लाओगे और फिर 2 को भाग देगा, तो 3/2x - 3, 3/2x - 3 dx, समझ गया ना। वहां से भी मैंने y का वैल्यू निकाल लिया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन x का, तो x² / 2, तो यानी आ जाएगा x² / 6 + 5/3x 1 से लेकर 4 दिया लिमिट, माइनस यहाँ पे देखो 4x और x का होगा x² / 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी माइनस x² 1 से लेकर 2 तक गया है, माइनस इसका देखो x² / 2, यानी 3/4x² - 3x और ले गया है 2 से लेकर 4 तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 6 से भाग करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 × 20/3, माइनस 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/6 और प्लस में 5/3, माइनस है, ब्रैकेट देते हैं। 2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 4 × 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया, 4 माइनस 1 रखेंगे तो 4, यहाँ 1, 4 में से 1 गया 3। चलिए अब यहाँ देखिए 4 रखना है, 4 का स्क्वायर 16, 4 से भाग होगा तो 4 और 4 × 3 = 12। यहाँ देखो क्या करेंगे, 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 में से 12 गया 0, तो मैं सीधे 12 रख देता हूँ तो 0 आ गया, समझ गए ना। 4 रखोगे तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 में इससे भागोगा तो 16 में, तो 4 आएगा, 4 × 3 = 12, और फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, 0 हो गया, माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 3 × 6, तो 3 में से 6 गया, -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, 8/3 और 20/3, तो इसको मैं 23/3 कर दूँ क्या, या अगले स्टेप में किया जाएगा 28/3 -1/6 - 5/3 - 5/3, ये 1 आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस, तो -3, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, 8/3 और ये 20/3 और -5/3 घटाते हैं, 20 + 28, 28 में से 5 गया 23, तो 23/3 लिख दूँ, 23/3, ठीक है, और -1/6 और ये हो जाएगा -4, एलसीएम लेते हैं सबका, 6 हो जाएगा एलसीएम, इसमें से भाग करेंगे 2, 23 × 46, माइनस इसमें भाग करेंगे, एक एक जाके एक पे गुना करेगा, एक ही आएगा माइनस, फिर कुछ नहीं तो 1, 1 में इससे भाग करेंगे 6, 6 जाके 4 में गुना करेगा 24, 24 से 25 हो जाएगा ना, दोनों माइनस का है तो 46 - 25/6 घटाएंगे तो 1 और यहाँ 2, 21/6, अब काट सकते हैं ना, 3 से 3 × 6 और 3 × 7 = 21, 7/2 वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से,
रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड इस वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।